Hello everyone, welcome to your channel. My name is Sonia and today we will discuss axioms of Euclid. Euclid ne kuch axioms and postulates diye hain. Pehle padhte hain ki axioms and postulates hote kya hain. Axioms are the assumptions used throughout mathematics that are obvious and need not to be proved. अब एक्सियोम्स क्या है, कुछ अजम्पशंस हैं जो हम थ्रू आउट मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, जो कि है, जिनको माना जाता है कि दे आर ट्रू एंड दे आर दे नीड नॉट टू बी प्रूव्ड. अगर मैं कहूँ कि सन सेट्स इन द वेस्ट, वी नो कि सन वेस्ट की साइड पे ही छिपता है ना. अगर मैं कहूँ एक वैल्यू है 5 एंड अनदर वैल्यू इज 10, तो 10 5 से बड़ा है, तो ये ऑलरेडी हमें पता है इस चीज के बारे में, है ना. तो दे एग्जाम्स क्या होते हैं, कुछ अजम्पशंस हैं जो जनरल अजम्पशंस हैं मैथमेटिक्स की, ठीक है, पर्टिकुलर ज्योमेट्री की नहीं है, मैथमेटिक्स की कुछ अजम्पशंस हैं विच सपोज टू बी ट्रू एंड दे डू नॉट नीड टू बी प्रूव्ड. सो दे आर कॉल्ड द एग्जाम्स. एंड पॉस्टुलेट्स क्या होते हैं, पॉस्टुलेट्स आर द अजम्पशंस स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री. अब देखिए एग्जाम्स क्या है, वो अजम्पशंस हैं जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, बट postulates क्या है, they are also assumptions but they are specific to geometric terms. okay, so they are also obvious and not need to be proved. तो इससे क्लियर है कि axioms क्या है, कुछ assumptions हैं जो कि general है, maths के related है, but postulates क्या है, geometry से related कुछ assumptions है which are true. okay, so now let's start with the axioms. कौन कौन से एग्जाम्स हैं, देर आर टोटल 7 एग्जाम्स एंड 5 पोस्टुलेट्स. ओके, तो 7 एग्जाम्स कौन से हैं वो देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम, एग्जाम नंबर 1, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. व्हाट इट मींस कि जो एक चीज दूसरी चीज के बराबर है, फर्स्ट इज एग्जाम नंबर 1, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. नाउ व्हाट इट मींस, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल. ए, लेट्स सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है ए, है ना, तो ए जो वेरिएबल है वो बी के भी इक्वल है और ए वेरिएबल सी के भी इक्वल है. यही लिखा हुआ, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये ए है, ए बी के भी इक्वल है और ए सी के भी इक्वल है, तो इट मींस कैन बी से कि ए और सी भी इक्वल है ना. तो अगर ए इज इक्वल टू बी है, ए इज इक्वल टू सी है, तो बी भी सी के क्या है, इक्वल है. सो दिस इज रिटन इन द एग्जाम 1, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं. देखिए किस तरह से, इफ आई सेड ए बी इज इक्वल टू 10, है ना, एंड सी इज ऑल्सो इक्वल टू 10, तो बी और सी दोनों की वैल्यू क्या है, 10. इट मींस कैन बी से कि बी इज आल्सो इक्वल टू सी, यस इट्स ट्रू. सो दिस इज अबाउट द एग्जाम नंबर 1. नेक्स्ट इज एग्जाम नंबर 2, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल. व्हाट इट मींस कि इफ वी हैव टू इक्वल थिंग्स एंड वी ऐड समथिंग, उसके अंदर हम कुछ और ऐड कर दें, तो वो चीजें फिर भी इक्वल रहेंगी, उनका जो होल है वो भी इक्वल रहेगा. देखिए किस तरह से, लेट्स सपोज आई हैव 5 पेंस, ओके, एंड सम अनदर पर्सन आल्सो हैज अ 5 पेंस, तो ऑलरेडी हमारे पास इक्वल यहाँ पे मेजर्स हैं किसी चीज के. इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ऑलरेडी दो इक्वल चीजें हैं, उसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ समथिंग एड की जाए. नाउ इफ आई गिव more pens to this person and two more pens to this person, तो ये होल कितना बना इनका, 7 7, तो ये भी क्या है, इक्वल है, राइट. नेक्स्ट इज एग्जाम नंबर 3, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर ऑल्सो इक्वल. जैसे हमने पिछले एग्जाम में पढ़ा कि इक्वल्स के अंदर कुछ ऐड कर दें तो वो भी इक्वल्स होगा, है ना, तो जो होल होगा. अभी यहाँ पे इक्वल्स हैं, लेट सपोज 5 पेन्स हैं ए के पास एंड 5 पेन ही बी के पास है, इक्वल अमाउंट ऑफ एनीथिंग दे हैव. नाउ वी सब्ट्रैक्ट इक्वल अमाउंट ऑफ समथिंग, आई सब्ट्रैक्ट
दो पेन मैंने इससे ले लिए और दो पेन मैंने, सॉरी ये बी है, दो पेन मैंने बी से भी ले लिए. नाउ आफ्टर सब्ट्रैक्शन व्हाट दे हैव, ए हैज थ्री पेन्स एंड बी ऑल्सो हैज थ्री पेन. सो इट मीन्स सब्ट्रैक्ट, इक्वल के अंदर अगर हम कुछ सेम अमाउंट ऑफ इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. राइट, देखिए ये सारे मैथमेटिक्स से रिलेटेड टर्म्स है ना, मैथ्स की, या जनरल टर्म्स है जो हमें ऑलरेडी पता है. सो दे आर कॉल्ड द एक्सियोम्स. नेक्स्ट इज एक्सियोम नंबर फोर, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. अब कोइंसाइड का मतलब क्या है, लेट सपोज देयर इज वन डॉट है ना ऑफ समथिंग, या कुछ भी लगा लो, छोटा सा डॉट है, इसी डायमेंशन का इतना ही छोटा डॉट मैंने इसके ऊपर भी लगा दिया. ओके, तो पहले एक डॉट था, ठीक है, ए था, उसके ऊपर एक और सेम डॉट सेम साइज का मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो दोनों क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं. सो मींस दे आर इक्वल, वो एक दूसरे के क्या है, बराबर है. अब इसको अंडरस्टैंड करते विद सम एग्जांपल, लेट्स से लाइन, यहाँ पे एक 5 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक है, ए बी इज ऑफ 5 सेंटीमीटर. नाउ इफ आई पुट अनदर लाइन सी डी विच इज ऑल्सो ऑफ 5 सेंटीमीटर, मैंने इसके ऊपर एक और लाइन लगा दी सी डी. अभी लाइन्स तो दो है बट दोनों क्या है, ऑफ सेम साइज है, तो देख क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड, कोइंसाइड वी कैन से इट्स लाइक अ ओवरलैपिंग. ओके, सो मीन्स ये दोनों क्या है, ए बी एंड सी डी दोनों क्या है, इक्वल है. राइट, नेक्स्ट है एग्जाम नंबर 5, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. होल क्या होगा, पार्ट से बड़ा होगा. लेट सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल, ये सर्कल के मैंने मैंने इसके फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अब ये जो इसका एक छोटा पार्ट है, ठीक है, ये तो एक छोटा सा पार्ट है, बट ये पार्ट क्या होगा, छोटा होगा पूरे होल में से, है ना. सो इट्स ऑब्वियस के जो एक पूरी चीज है, पूरी चीज है ना, एक होल, पूरी कंप्लीट एक चीज है, तो वो बड़ी होगी उसके एक पार्ट से, है ना. लाइक इफ देयर इज वन चॉकलेट बार, तो उस चॉकलेट बार की एक ब्रिक मैंने यहाँ से ले ली, तो पूरा ये होल ऑफ द चॉकलेट इज ग्रेटर देन दिस ब्रिक, है ना. सो दिस इज दे आर सेइंग एग्जाम नंबर 5, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. नेक्स्ट इज एग्जाम नंबर 6, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. अब दो मेरे पास चीजें हैं, लेट्स से 5 पेन्स हैं ए के पास एंड 5 पेन्स ही हैं बी के पास. नाउ इफ आई डबल दिस क्वांटिटी, मैंने यहाँ पे डबल कर दिया, 2 × 5 इधर कर दिया, 2 × 5 इधर कर दिया, तो ये ए के पास कितने पेन्स हो गए, मैंने डबल कर दिए 10, तो बी के पास भी कितने हो गए हैं, 10. सो दे आर इक्वल टू each other, right? So that's written in the exam numbers thing, exam number 6, that things which are double of the same thing क्या थी, 5 था, उनका double किया, दोनों क्या है, equal है, means A and B भी क्या है, equal है. Next, exam number 7, things which are halves of the same things are equal to one another. ये वही चीज है, पहले इन्होंने ऐड करके बताया कि इक्वल्स के अंदर ऐड करते हैं, फिर इक्वल्स के अंदर सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर डबल कर रहे हैं. नाउ इन एग्जाम नंबर 7 हाफ करना है. तो ए एक पर्सन है और एक बी पर्सन है, ए के पास भी 10 पेन्स हैं और बी के पास भी 10 पेन्स हैं, मैंने इसे हाफ ऑफ द पेन ले लिए, ठीक है, तो 10 / 2 कितना हो गया, 5 हो गया, ये भी 10 / 2 कितना हो गया, 5 हो गया. अब ये दोनों भी क्या है, इक्वल है, तो इक्वल क्वांटिटी थी, वहां से हमने हाफ कर दिया, तो एट द एंड जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा. सो गाइस दीस वर द 7 एक्सियोम्स ऑफ द यूक्लिड ज्योमेट्री, एंड नेक्स्ट टाइम वी विल स्टडी द पोस्टुलेट्स ऑफ द यूक्लिड ज्योमेट्री. तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय.